राहुल वैद्य और एजाज खान में हुई हाथापाई। राहुल और एजाज का झगड़ा लेगा कैसा रुख। फिनाले में जाने के लिए घर वालों को एक दूसरे को ही करना होगा पंच। जैसे जैसे बिग बॉस के पहले पड़ाव का फिनाले नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे घर में बन रहा है टेंशन का माहौल। कई नई दुश्मनियां हो रही हैं, तो कई पुरानी दुश्मनियों को लग रही है हवा। फिनाले की इस दौड़ में कंटेस्टेंट्स ऑडियंस के एंटरटेनमेंट का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कल आने वाले एपिसोड में पुराने दुश्मन बने दोस्त, बने फिर दुश्मन उर्फ राहुल वैद्य और एजाज खान के बीच एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जी हाँ, राहुल किसी बात पर एजाज की खिंचाई करते हैं जो एजाज को पसंद नहीं आता, और वो करते हैं राहुल को वॉर्न। हालांकि दोनों की बातें कब हाथापाई में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। तो वहीं दूसरी ओर फाइनल चार की रेस का हिस्सा बनने के लिए घर वालों ने एक दूसरे को ही बना दिया है पंचिंग बैग। नहीं समझे, दरअसल घर वालों को इस एक सदस्य की तस्वीर को लगाना होगा एक पंचिंग बैग पर, जिसे वो फाइनल फोर की रेस का हिस्सा नहीं समझते हैं, और रीजन देते हुए करना होगा जोर से उस सदस्य की तस्वीर को पंच। निकिता बोली, राहुल वैद्य की तस्वीर को पंच करती नजर आ रही हैं, ये कहते हुए कि उन्हें नहीं लगते राहुल गेम को लेकर सीरियस। तो वहीं एजाज ने जैस्मिन का नाम लेते हुए ये कहा कि उन्हें क्यूट बनने की एक्टिंग अब बंद कर देनी चाहिए। बाकी घर वाले किसे करते हैं पंच और कौन बनता है फाइनल फोर में जाने वाला अगला कंटेस्टेंट, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। बिग बॉस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।